वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जो कि एडुटेरिया टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 1 के बुक से चलाया जा रहा है। ये बिहार दरोगा मेंस का वॉल्यूम 1 है। वॉल्यूम 2 अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो ऑलमोस्ट 30 तारीख के आसपास अवेलेबल होगा मार्केट में। तब तक के लिए अल्टरनेट आप लोगों को बिहार ESI प्री का जो बुक है वो बुक चलाया जा रहा है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि आप लोगों को मेंस का एग्जाम देना है, क्योंकि आप लोग दोबारा भी जो न्यू वैकेंसी आई है उसके लिए भी अपीयर होंगे, और साथ ही साथ वो सारे क्वेश्चंस आपको बिहार दरोगा मेंस में भी काम करेगा। तो ऐसा नहीं है, आप उसे भी देखिएगा, वो आपको डेली अल्टरनेट बेस पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एक दिन प्री का सेट प्रोवाइड करवाया जाएगा और दूसरे दिन मेंस का सेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो ये एडुटोरिया वॉल्यूम 1 का लास्ट टेस्ट सीरीज है, मतलब तो उसमें 10 प्रैक्टिस सेट हैं, आज हम लोग 10 डिस्कस कर लेंगे। तो इसके बाद कौन सा बुक चलाया जाएगा, देखिए बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि या तो रहमान सर का बुक, या फिर KBC नैनो पब्लिकेशन, या फिर अरिहंत पब्लिकेशन। ये 3 पब्लिकेशन लोगों का कमेंट था, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो देखने के बाद आप एक बार और कमेंट करके मुझे फाइनली बता दीजिएगा कि कौन सा बुक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया जाए, क्योंकि वही टेस्ट सीरीज मैं फिर अगले दिन से लेकर आऊँगा। तो आप लोगों से एक बार और लास्टली बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना अपना सजेशन दे दीजिएगा कि कौन सा बुक स्टार्ट किया जाए, का भी जिस बुक का ज्यादा वोट होगा, ज्यादा कमेंट होगा, वही बुक मैं स्टार्ट करवा दूंगा। मुझे कोई इशूज नहीं है कि यह बुक मैं स्टार्ट करवाऊं, आप लोगों की सुविधा के लिए है। आप लोग जो सबसे ज्यादा बुक का कमेंट कीजिएगा वो बुक मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करवा दूंगा। चलिए तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अभी तक रेगुलर वीडियोज आप लोगों को नहीं मिल रहा था, मैं बताया भी था बीच में कुछ मेरी तबियत सही नहीं थी, इसके कारण थोड़ा आप लोगों को रेगुलर वीडियोज नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब से डेली आप लोगों को 8 AM पे वीडियोज मिल जाएगा। 8 AM पे लाइव होकर आपको वीडियोज प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो आप डेली 8 AM पे आ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा अलग किया गया था। देखिए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में हुआ था क्या कि इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया गया था, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो व्यापारिक मामलों के लिए था, और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स जो राजनीतिक मामलों के लिए था। और ऑप्शन की अगर बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की, तो इससे जो कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो ये याद रखिएगा कि इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, और इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। अगर हम बात एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 की करते हैं, तो इसे याद रखिएगा इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। चार्टर एक्ट 1793 की बात करते हैं, तो इसे याद रखिएगा इसी एक्ट के द्वारा जो नियंत्रण बोर्ड के जितने भी सदस्य और कर्मचारियां हुआ करते थे उनके वेतन और भत्ते जो थे वो भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो भारतीय संविधान का जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। 3 तरह की सूची है हमारे संविधान में, पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। अगर हम बात संघ सूची की करते हैं तो संघ सूची में अभी 100 विषय है, लेकिन मूलतः 97 विषय थी। राज्य सूची में अभी 61 विषय है, मूलतः 66 विषय थी, और समवर्ती सूची में अभी 52 विषय हैं और मूलतः 47 विषय था। अगर हम बात जर्मनी की करते हैं, तो जर्मनी से याद रखिएगा जर्मनी से क्या लिया गया है। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। अगर हम बात ऑस्ट्रेलिया की करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से याद रखिएगा समवर्ती सूची का प्रावधान था, प्रस्तावना की भाषा और संयुक्त अधिवेशन, ये तीनों चीज ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर हम बात अमेरिका की करते हैं, तो अमेरिका से याद रखिएगा मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, वित्तीय आपातकाल, ये सारी चीज़ें अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर हम बात कनाडा की करते हैं, तो कनाडा से याद रखिएगा कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषताएँ, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, तो ये सारी चीज़ें कनाडा से लिया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में किया गया है, अनुच्छेद 51 के तहत इसको रखा गया है। अगर हम बात राज्य के नीति निदेशक तत्व की करते हैं, तो इससे आपके दिमाग में याद होना चाहिए भाग 4,
अनुच्छेद 36(51) और आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है। इसके बारे में एक और चीज़ याद रखिएगा नीति निदेशक तत्व के बारे में कि इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। अगर हम बात संविधान की प्रस्तावना की करते हैं तो इसे याद रखिएगा, इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। और अगर बात मौलिक अधिकार की करते हैं तो मौलिक अधिकार से याद रखिएगा भाग 3 अनुच्छेद 12(35) अमेरिका के संविधान से, और अभी फिलहाल 6 मौलिक अधिकार हैं। अगर हम बात मूल कर्तव्य की करते हैं तो मूल कर्तव्य से याद रखिएगा इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है, भाग 4 के क में अनुच्छेद 51(क) के तहत। इसे रशिया के संविधान से लिया गया है और अभी फिलहाल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है भारत में कार्यपालिका प्रधान कौन होता है। तो भारत में जो कार्यपालिका प्रधान होता है वो होते हैं राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। राष्ट्रपति को हम लोग देश के प्रथम नागरिक भी कहलाते हैं ये, और ये देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं। अभी फिलहाल जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो हैं श्री रामनाथ गोविंद, और ये हमारे 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, राष्ट्रपति से कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 2-4 आप लोग याद रखिएगा, वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, उसे मैं एक बार बोलता हूँ, आप लोग नहीं होता है तो कहीं से नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों से एक चीज रिक्वेस्ट है, आप लोग जो व्हाट्सएप पे मुझे अपना मार्क्स कमेंट कर रहे हैं वो आप व्हाट्सएप पे मैसेज ना करके आप लोग वीडियो पे कमेंट कीजिए, मार्क्स को एक दूसरे से इक्वल कंपेयर कीजिए कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है, आपके साथ और जो कंपटीटर हैं उनका मार्क्स कितना आ रहा है, तो इससे आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। साथ ही साथ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, आप लोग एटलीस्ट एक कमेंट तो करके बता ही सकते हैं कि हाँ ये वीडियो मुझे कैसा लगा। चलिए हम लोग बात कर रहे थे राष्ट्रपति के कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद की, तो राष्ट्रपति का जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो देखिए अनुच्छेद 1 है अनुच्छेद 52, इसमें राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति का शक्ति कार्य का विवरण है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, और अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश। ठीक है, तो ये सारे कुछ अनुच्छेद हैं, ये आप लोगों को याद रखना होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 330। देखिए अनुच्छेद 330 क्या कहता है, एससी एसटी के लिए लोकसभा में आरक्षण। अनुच्छेद 331 कहता है एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा में मनोनयन। अनुच्छेद 332 कहता है एससी एसटी के लिए विधानसभा में आरक्षण। अनुच्छेद 333 कहता है एंग्लो इंडियन के लिए विधानसभा में मनोनयन। एक और अनुच्छेद याद रखिएगा अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 कहता है एससी एसटी और ओबीसी को विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत शासन अधिनियम 1935। और ऑप्शंस की बात करते हैं, अगर 1919 के अधिनियम की बात करते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसे बोला जाता है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम से जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये है कि भारत में एक लोकसेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कम 3 को भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया था। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। अगर हम बात 1909 के अधिनियम की करते हैं तो 1909 के अधिनियम को बोला जाता है मार्लो मिंटो सुधार, और इसी के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बनाया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात करते हैं तो इससे याद रखिएगा ये ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया था, और ब्रिटिश संसद से 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत कर दिया गया था। इस अधिनियम में टोटल 20 धाराएं थी। अगर हम बात भारत शासन अधिनियम 1935 की करते हैं तो इससे याद रखिएगा इसमें 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थीं। ठीक है, इसमें एक चीज जो पूछा जाता है वो ये है कि कौन से अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रस्तावना का भी अभाव था, और इसी अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया था और बर्मा को भारत से भी अलग कर दिया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपातकाल के समाप्ति के बाद ये 6 महीना तक प्रभावी रहता है और 6 माह के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला है नीति निदेशक तत्व भारत में सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधार है, बिल्कुल सही है। नीति निदेशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने में सहायक है, ये भी बिल्कुल सही है।
तीसरा है नीति निदेशक तत्व को मौलिक अधिकार पर वरीयता दी जाएगी, ये गलत है। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार है इसमें किसी को वरीयता नहीं दी जाएगी। कभी ऐसा कुछ डिस्प्यूट होता है या कुछ होता है तो दोनों में समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। नीति निदेशक तत्व सरकार के मूल्यांकन के आधार प्रस्तुत करता है, ये भी बिल्कुल सही है। नीति निदेशक तत्व से आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए भाग 4 अनुच्छेद 36-51 और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये मिलान करने के लिए कह रहा है अनुच्छेद 143 किससे मैच करेगा। ये मैच करेगा उच्चतम न्यायालय से परामर्श की राष्ट्रपति की शक्ति। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, लेकिन जो भी उच्चतम न्यायालय जो परामर्श देगा उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। वो अपने विवेकानुसार उसको मान भी सकता है और नहीं तो नहीं भी मान सकता है। अनुच्छेद 141 की बात करते हैं तो ये है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। अनुच्छेद 148 है भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, और अनुच्छेद 127 है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 102वां संविधान संशोधन। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं, 99वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इसे 2014 में किया गया है और इसके तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई है। 100वां की बात करते हैं तो ये 2015 में हुआ है और भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। अनुच्छेद 101 की बात करते हैं तो ये 2017 में हुआ है और ये GST से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। मोमबत्ती की बात करते हैं तो मोमबत्ती मैच करेगा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। ये विद्युत मोटर की बात करते हैं तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। सोलर सेल की बात करते हैं तो सोलर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और अगर हम बात कर रहे हैं मोमबत्ती की तो मोमबत्ती जो है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है और विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। और सोलर सेल और माइक्रोफोन है तो माइक्रोफोन किसको मैच करेगा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है और सोलर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किसी उपग्रह के कक्षीय वेग को कितना गुना बढ़ाने पर वो अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से किसका परिवर्तन नहीं होता है। तो जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो कभी भी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दूरदृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया की ये बात कर रहा है। तो हाइपरमेट्रोपिया में नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, ये बिल्कुल सही है। लेंस आँखों के लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, ये भी सही है। प्रतिबिंब जो होगा रेटिना के आगे बनता है ये गलत है, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना के पीछे बनता है। और अगर हम निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया की बात करते हैं तो इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से आगे बनता है। और रोग के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए ज्योति तीव्रता कैंडला सुमेलित है, विद्युत आवेश कूलम्ब सुमेलित है, ज्योति फ्लक्स वेबर गलत है, क्योंकि ज्योति फ्लक्स का होता है ल्यूमन और वेबर जो होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है। विद्युत धारा एम्पियर, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योति फ्लक्स का होगा ल्यूमन और वेबर जो होता है ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किस व्यक्ति ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, मैक्स प्लैंक के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। डांटल से याद रखिएगा परमाणु सिद्धांत, रदरफोर्ड से याद रखिएगा न्यूक्लियस ऑफ एन एटम और न्यूलैंड से याद रखिएगा अस्टक सिद्धांत जिसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार एवं विद्युत धनात्मक में क्या परिवर्तन होता है। तो जब हम लोग आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो ये जो दोनों है मतलब परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मक ये दोनों क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, दोनों बढ़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रॉन्शियम के कारण जो होता है वो लाल चटक रंग होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट होता है, उसी के कारण लाल आतिशबाजी होती है। और बहुत सारे और जो कलर होते हैं, जैसे यहाँ तो लाल पूछा है लेकिन आपसे और कोई दूसरा कलर भी पूछ सकता है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड के कारण नारंगी होता है, सोडियम नाइट्रेट के कारण पीला होता है, बेरियम क्लोराइड के कारण हरा होता है, और तांबा क्लोराइड के कारण जो आतिशबाजी होती है वो नीली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है बेवकूफों का सोना या झूठा सोना किसे कहा जाता है। तो बेवकूफों का सोना या झूठा सोना कहा जाता है आयरन पाइराइट को। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो चमक होता है वो धात्विक होता है और इसका जो रंग होता है वो पीला रंग, मतलब पीतल के सोना के टाइप से होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूर्खों का सोना या फिर झूठा सोना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। देखिए, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो जेनॉन है वो एक ग्रीक शब्द है और जिसका मतलब ही होता है स्ट्रेंज। ठीक है, इसलिए जेनॉन को स्ट्रेंजर कहा जाता है। ये क्या है? ये इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस की अगर हम बात करते हैं तो है हीलियम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर है 2, उसके बाद नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जेनॉन 54, रेडॉन 86। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 सुमेलित करने कह रहा है, तो एस्ट्रोनॉमी को अगर सुमेलित करेंगे तो ये खगोल विज्ञान का अध्ययन से सुमेलित होगा। एंथोलॉजी की अगर बात करते हैं तो ये फूलों के अध्ययन के साथ मैच करेगा। सोरोलॉजी की बात करते हैं तो ये छिपकलियों का अध्ययन है। और माइकोलॉजी की अगर बात करते हैं तो ये कबकों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति होती है जीवाणु में। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया से एक चीज याद रखिएगा, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण उत्पन्न होती है। तो एथलीट फुट नामक जो बीमारी है वो कवक के कारण उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, जीवाणु से भी कुछ इंपॉर्टेंट जो डिजीज उनका नाम याद रखिएगा, जैसे टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, प्लेग, निमोनिया, ये सब जीवाणु के कारण होने वाले रोग हैं। अगर हम विषाणु की बात करते हैं तो विषाणु से होने वाले रोग हैं एड्स, चेचक, खसरा, रेबीज, ये सब विषाणु से होने वाले रोग हैं। अगर हम बात प्रोटोजोआ की करते हैं तो प्रोटोजोआ से याद रखिएगा मलेरिया, पाइलिया, कालाजार, ये सब प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। तो देखिए, त्वचा की जनरली तीन परत होती है, यही एपिडर्मिस, डर्मिस और प्रोटोडर्मिस। तो जो सबसे ऊपरी त्वचा होती है वो कहलाती है एपिडर्मिस। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। और ये एपिडर्मिस त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है और एक जलरोधी अपरोध भी प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो ये होता है एड्रिनल ग्रंथि से। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन कौन होता है जो पौधे को विकास के लिए विनियमित करते हैं, उसी को हम लोग पादप हार्मोन कहते हैं। तो साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ये सब क्या है? ये सब पादप हार्मोन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। अगर हम बात साइटोकाइनिन की करते हैं तो साइटोकाइनिन किससे याद रखिएगा, इसका विकास 1955 में मिलर के द्वारा हुआ था। ऑक्सिन की अगर बात करते हैं तो 1880 में डार्विन, और जिब्रेलिन की अगर बात करते हैं तो 1928 में कुरुसेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक रोग नहीं है। तो अनुवांशिक रोग इसमें से अगर हम बात करते हैं तो हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है, बंधानता अनुवांशिक रोग है, डिमेंशिया नहीं है। ठीक है, डिमेंशिया क्या है? ये अनुवांशिक रोग नहीं है, ये एक सिंड्रोम है जिसमें याददाश्त, सोच, व्यवहार और रोजमर्रा की गतिविधियों को करने की क्षमता में गिरावट होती है। थैलेसीमिया भी क्या है? एक अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो था वो डी ब्रिज के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, लैमार्क से याद रखिएगा, लैमार्क से थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, और डार्विन से की अगर हम बात करते हैं और हार्वे की, तो विलियम हार्वे से याद रखिएगा, ये कैसे फिजिशियन थे या फिर पहले फिजिशियन थे जिसने सिस्टमैटिक सर्कुलेशन को डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि राज्यों का समूह जो भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो भूटान के साथ जो सीमा साझा करने वाले राज्य हैं वो है सिक्किम,
पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। देखिए भूटान से एक और चीज़ याद रखिएगा, भारत और भूटान जो है वो टोटल 699 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान किसके द्वारा अलग होता है। तो ये अलग होता है डंकन पैकेज के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, डंकन पैसेज के द्वारा ये जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, अगर हम बात 8 डिग्री चैनल की करते हैं तो 8 डिग्री चैनल के द्वारा मिनिकॉय द्वीप तथा मालदीप अलग होते हैं। अगर हम बात 10 डिग्री चैनल की करते हैं तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान द्वीप तथा निकोबार द्वीप अलग होता है। और 9 डिग्री अगर चैनल की बात करते हैं तो इसके द्वारा कानवार द्वीप और तथा मिनिकॉय द्वीप अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है बलतोड़ा हिमनद स्थित है। तो बलतोड़ा हिमनद जो है वो काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काराकोरम पर्वतमाला। ठीक है, और इसी पर्वतमाला में कुछ स्थित अन्य भी प्रमुख जो हिमनद है वो है बियाफो, सियाचिन, गॉडबिन आइंस्टीन, ये सब इसी पर्वतमाला में स्थित कुछ प्रमुख हिमनद है। ठीक है, काराकोरम पर्वतमाला से एक चीज़ याद रखिएगा, पुरानों में इसे जो पुराण था पुराणों में इस पर्वतमाला का नाम कृष्णागिरी दिया गया था। कृष्णागिरी का मतलब होता है काला पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर स्थित है और ये कर्नाटक के राज्य के मांड्या जिले में स्थित है। कावेरी नदी की अगर बात करते हैं तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ जो कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो तमिलनाडु जो सूखा रहता है उसका रीजन यही है कि वो वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी के घाटी का हिस्सा नहीं है। तो नर्मदा नदी का जो द्रोणी है उसका लगभग 87% भाग मध्य प्रदेश में है, 1.5% महाराष्ट्र में और शेष भाग गुजरात में स्थित है। राजस्थान में इसके कोई विस्तार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कुगती, ये कुगती नहीं है ये कुगती है, ये कुगती वन पशु विहार जो है वो कहाँ स्थित है। तो ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में ये स्थित है। ठीक है, अगर हम बात और ऑप्शन की करते हैं तो महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र से कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, तमसा अभयारण्य, बोरबिली राष्ट्रीय उद्यान, टडोबा, नवेगांव, ये सब महाराष्ट्र में है। अगर हम बात हरियाणा की करते हैं तो हरियाणा से याद रखिएगा कालेश्वर, सुल्तानपुर। उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड से याद रखिएगा जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, राजाजी, नंदा देवी। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश से याद रखिएगा बृहद हिमालय, इंदर किला, पीन घाटी, ये सब हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि HYV कार्यक्रम को भारत में क्या कहा जाता है। तो HYV का मतलब फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वेराइटीज, और हाई यील्डिंग वेराइटीज को भारत में नव कृषि नीति या फिर हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का तात्पर्य क्या था। भारत में हरित क्रांति का तात्पर्य था उन्नत किस्म के बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति से है, और भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगर हम बात नीली क्रांति की करते हैं तो नीली क्रांति का है मछली उत्पादन से, और श्वेत क्रांति की बात करते हैं तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है। तो नून माटी तेल शोधक कारखाना है ये असम राज्य में स्थित है, और इसकी स्थापना 1962 में गुवाहाटी के निकट की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में। ठीक है, असम राज्य में कुछ और तेल शोधन कारखाना है जैसे डिगबोई हो गया, नून माटी हो गया, नुमालीगढ़ हो गया। गुजरात की राज्य की अगर बात करते हैं तो गुजरात राज्य में अंकलेश्वर, कलील, नवग्राम, लूनेज, कोयली, ये सब गुजरात राज्य में। बिहार में एक था बरौनी तेल रिफाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान जो है वो कसाल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। त्रिवेंद्रम से याद रखिएगा, त्रिवेंद्रम में है केंद्रीय कम फसल अनुसंधान संस्थान। मनीला की अगर बात करते हैं तो मनीला में है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, और जोधपुर की अगर बात करते हैं तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है
कि सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच स्थित हैं। तो देखिए, सूर्य से अगर दूरी की अगर बात करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में अगर हम देखते हैं, तो सबसे पहले आएगा बुध, फिर आएगा शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लेटो। तो इसे अरेंज कीजिएगा तो इसके बीच जो आएगा वो आ जाएगा बृहस्पति और शनि, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है। तो इटली में कौन सा पर्वत है, एपी नाइन पर्वत जो है वो इटली में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर हम पेरिनीज पर्वत की बात करते हैं तो ये फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाता है, और अगर जूरा पर्वत की बात करते हैं तो ये फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड के सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है गिब्सन रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो गिब्सन रेगिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑस्ट्रेलिया से कुछ और महत्वपूर्ण रेगिस्तान के नाम याद रखिएगा, जैसे ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, सिप्सन रेगिस्तान, ये सभी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है निम्नलिखित देशों में से किसका समुद्र तट सर्वाधिक लंबा है। तो कनाडा की जो समुद्र तट है वो सबसे लंबी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात भारत की करते हैं तो भारत की तट रेखा है 7516.6 किलोमीटर, लेकिन अगर सिर्फ मुख्य भूमि की तटीय लंबाई पूछेगा तब हो जाएगा 6100 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा है अंडमान की 1962 किलोमीटर, और अगर राज्यों में पूछे तो सबसे ज़्यादा है गुजरात का 1214.7 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल बाधित है। तो देखिए कौन से देश स्थल बाधित हैं। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान जो है वो स्थल बाधित देश है, हंगरी भी स्थल बाधित देश है, मलेशिया नहीं है, स्विट्जरलैंड है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1, 2 और 4। ठीक है, अफगानिस्तान जो है वो दक्षिण एशिया में स्थित एक स्थलबद्ध देश है, और हंगरी और स्विट्जरलैंड जो है ये यूरोप में स्थित स्थलबद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है बिहार में टसर रेशम उद्योग किस जिले में है। तो देखिए टसर रेशम उद्योग जो है वो बिहार के भागलपुर जिले में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। और भी कुछ बिहार से इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जैसे कि सिंदूर उद्योग लखीसराय में है, उर्वरक उद्योग बरौनी में है, सीमेंट उद्योग डालमिया नगर में है, बंदूक बनाने का कारखाना मुंगेर में है, ठाकुर पेपर मिल समस्तीपुर में है, रेल पहिया कारखाना छपड़ा में है, भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में है, काच उद्योग पटना में है। तो ये सारी चीजें भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है बिहार की सर्वाधिक पुरानी जल विद्युत परियोजना निम्न में से कौन सी है। तो बिहार की जो सर्वाधिक पुरानी जल विद्युत परियोजना है वो है पश्चिमी सोन नहर परियोजना डेहरी। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा तैयार की गई है। तो ये तैयार किया गया भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई है 1981 में, और इसका मुख्यालय है देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के लिए डाटा एकत्रित करने के लिए किस सैटेलाइट का प्रयोग किया गया है। तो इस जो सैटेलाइट का प्रयोग किया गया है उसका नाम है रिसोर्स सेट 2A। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 रिपोर्ट से याद रखिएगा ये हर एक 2 वर्ष में प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका मैं सोल्यूशन नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास लिखने के लिए कोई सोर्स नहीं है, राइटिंग पैड्स ये सब अवेलेबल नहीं है, मैं उसे सही से नहीं कर पाता हूं, लिख नहीं पाता हूं आपके स्क्रीन पे, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। जैसे ही एज सुन एज राइटिंग पैड अवेलेबल हो जाएगा आप लोगों को मैथ्स रीजनिंग का भी क्वेश्चन करवा दिया जाएगा साथ ही साथ में। और ऐसे भी ये मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं, इसका सोल्यूशन मैं PDF के साथ अटैच करके दे दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है द एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल की स्थापना किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर विलियम जोन्स के द्वारा ये किया गया था, और कब, 1784 में। जोनाथन डंकन से भी एक चीज याद रखिएगा, जोनाथन डंकन जो थे ये संस्कृत विद्यालय की स्थापना किए थे। ठीक है, बारन हेस्टिंग्स से याद रखिएगा, बारन हेस्टिंग्स का जो टाइम था वो था 1774 से लेकर 1785, और इसी ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है किस गवर्नर जनरल के काल में
सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो ये किया गया था लॉर्ड एलन बैरो के कार्यकाल में। लॉर्ड एलन बैरो का कार्यकाल कब था? 1882 से लेके 1844 तक, ठीक है। इसी के कार्यकाल के टाइम याद रखिएगा कि रविवार को छुट्टी की शुरुआत भी हुई थी, कब? 1843 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एलन बैरो, ठीक है। और ऑप्शन की अगर बात करते हैं, लॉर्ड ऑकलैंड की बात करते हैं, तो इनका टाइम काल था 1836 से लेकर 1842, और इन्होंने 1839 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली तक जो ग्रैंटेक रोड का मरम्मत करवाया था, और इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश सांसद ने प्रदान किया था। अगर हम बात लॉर्ड हार्डिंग की करते हैं, तो इसका समय काल था 1844 से लेकर 1848, और इसने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड डलहौजी का समय काल था 1848 से लेकर 1856, और इससे एक सबसे बड़ा चीज है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, आप लोगों को पता ही होगा। और 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना, इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की, इसे रेलवे का जनक माना जाता है, और 1853 में पहली बार बंबई से थाने के बीच ट्रेन चलाई गई थी, और 1854 में भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन भी इसी के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है निम्नलिखित घटना को सदी काल के रूप में सजाइए। तो इस क्वेश्चन का अगर सजाने के बाद इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 4, 3। देखिए, सबसे पहले खिलाफत आंदोलन का शुरुआत हुआ था, इसके बाद असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ, और इसी दौरान चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, जिसके बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, और फिर इसके बाद 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो इसको सिक्वेंस से अगर अरेंज कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है निम्नलिखित समाचार पत्रों और उनके संस्थापक का सही मिलान करने कह रहा है। तो देखिए, अगर हम हरिजन को मिलाते हैं तो हरिजन महात्मा गांधी के साथ सही मिलान करें तो हरिजन महात्मा गांधी के साथ ही मैच करेगा। न्यू इंडिया मैच करेगा एनी बेसेंट के साथ। अगर हम सोम प्रकाश की बात करते हैं तो ये मैच करेगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ, और सर्च लाइट मैच करेगा सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। देखिए, सर स्टॉप इट क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में ये मिशन भारत भेजा गया था, और कांग्रेस की ओर से एक आधिकारिक वार्ताकार थे जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किया गया था। तो कांग्रेस का 1920 के नागपुर अधिवेशन में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था, और फिर मोहम्मद अली जिना, एनी बेसेंट, ये सब क्या थे, इसका विरोध किए थे और कांग्रेस छोड़ दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है विभिन्न संस्थानों के संपादक का सही मिलान करने कह रहा है। तो अगर हम बात इंडियन लीग की करते हैं तो ये मैच करेगा शिशिर कुमार घोष के द्वारा, और इंडियन लीग कब? 1875, ठीक है। अगर हम बात पुणे सार्वजनिक सभा की करते हैं तो पुणे सार्वजनिक सभा जो है ये मैच करेगा एमजी रनाडे के द्वारा 1867 में। अगर हम बात ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की करते हैं तो ये मैच करेगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1876 में, और ये इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये मैच करेगा इंडियन लीग की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन लीग मैच करेगा शिशिर कुमार घोष के साथ। पुणे सार्वजनिक सभा जो है वो मैच करेगा एमजी रनाडे के साथ। इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन मैच करेगा दादा भाई नौरोजी के साथ, और इंडियन एसोसिएशन मैच करेगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो 1857 के क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी था, बिल्कुल सही है। जेम्स आउड्रम एवं डब्ल्यू टेलर के अनुसार 1857 की क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था, यह भी बिल्कुल सही है। फैजाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था, यह गलत है, क्योंकि फैजाबाद में किए थे मौलवी अहमद उल्लाह के द्वारा किया गया था। अगर हम खान बहादुर खान की बात करते हैं तो खान बहादुर खान जो थे वो बरेली से किए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 1857 के विद्रोह के दौरान खान बहादुर ने स्वयं को बरेली का सम्राट घोषित किया था, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए, जैसे बरेली में किए थे खान बहादुर खान, लखनऊ से की थी बेगम हजरत महल, जगदीशपुर से किए थे कुंवर सिंह, इलाहाबाद से किए थे लियाकत अली, तो ये सारे नाम याद रखिएगा कौन कहां से नेतृत्व करता थे, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है रॉलेट एक्ट किस भाषा के कार्य में पारित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड चांसफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ था। क्यों? क्योंकि लॉर्ड चांसफोर्ड का कार्यकाल कब था? 1916 से लेकर 1921, और रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में, ठीक है। और इसी के समय ये पारित हुआ था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो, और लॉर्ड मिंटो की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड मिंटो को क्या बोला जाता है, लॉर्ड मिंटो का सॉरी लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल कब से कब था? 1905 से लेकर 1910 था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल था 1910 से लेकर 1916। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय से याद रखिएगा, इसी के समय ब्रिटेन का राजा जो था जॉर्ज पंचम वो भारत आया था, और 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। 1912 में इस पे फिर दिल्ली में बम फेंका गया, और इसी कांड में भाई बाल मुकुंद की फांसी की सजा दी गई थी। लॉर्ड रीडिंग की अगर बात करते हैं तो इसका कार्यकाल था 1921 से लेकर 1926, और इसी के काल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने 1921 में भारत की यात्रा किया था। लॉर्ड चांसफोर्ड की अगर बात करते हैं तो इसका कार्यकाल था 1916 से लेकर 1921, और इसमें कार्यकाल से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, 1916 में पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, 1917 में शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन किया गया, और 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया जिसको बोला गया ना कोई अपील ना कोई दलील और ना कोई वकील। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम बार किसी अंग्रेज के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन जो था, और जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगर हम बात 1886 के कलकत्ता अधिवेशन की करते हैं तो ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जो कि प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। 1887 की अगर बात करते हैं तो 1887 का जो मद्रास अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता की गई थी बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1890 की अगर बात करते हैं, 1890 का जो कलकत्ता अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किया गया था सर फिरोज शाह मेहता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है उड़ीसा में 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही थे। तो उड़ीसा में थे सुरेंद्र शाही, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। 1857 की क्रांति की बात करें तो इससे कुछ इतिहासकार के मत जो है वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि बी डी सावरकर के द्वारा इसके बारे में कहा गया था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। अगर हम बात टी आर होम्स की करते हैं तो टी आर होम्स ने कहा था कि बर्बरता और सभ्यता के बीच ये युद्ध था। अगर डिजराइली की बात करते हैं तो उसने ये कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है बाल हत्या प्रथा कब से रोकने के व्यापक प्रयास बंगाल में किए गए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1789 में, नहीं सॉरी 1795 ईस्वी में बाल प्रथा रोकने के लिए बंगाल में शुरुआत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1795, ठीक है। 1872 से याद रखिएगा 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थियोडोर मेडिसिन के द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है तृतीय ऑंग्ल बर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ये हुआ है। लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था 1884 से लेकर 1888, और तृतीय ऑंग्ल युद्ध हुआ था 1885 से लेकर 88 तक। तो लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल था वो है 1884 से लेकर 1888, और इसी के शासनकाल में तृतीय ऑंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, ठीक है। और इसी के शासनकाल का जो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ था वो हुआ था 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है निम्न में से कौन समाचार पत्र है जो बर्नाकुलस प्रेस एक्ट के अंतर्गत रखा गया व कार्रवाई किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत मिहिर, ठीक है। भारत मिहिर और सोम प्रकाश के खिलाफ बर्नाकुलर स्प्रेड एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। अगर हम बात बर्नाकुलर स्प्रेड एक्ट की करते हैं तो इसको मार्च 1878 में लिट्टन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम यानी बर्नाकुलर स्प्रेड एक्ट पारित करके भारतीय समाज पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। इसे एक चीज़ याद रखिएगा, एक अखबार का नाम था पाइनियर अखबार, पाइनियर अखबार जो था वो बर्नाकुलर स्प्रेड एक्ट का समर्थन किया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा अखबार जो था वो बर्नाकुलर स्प्रेड एक्ट का समर्थन किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा पाइनियर अखबार।
फिर लगाया तो गया था 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा और फिर 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्नाकुलर स्टेट एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। प्रेस से इंपॉर्टेंट एक चीज़ और याद रखिएगा, एक नाम है चार्ल्स मेडकॉफ। चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कांग्रेस एक याचना संस्था है, उक्त किस विषय व्यक्ति से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा कहा गया है। बिपिन चंद्र पाल के द्वारा ही कहा गया था कि कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। अगर हम बात लॉर्ड कर्जन की करते हैं तो लॉर्ड कर्जन ने यह कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसे शांतिपूर्ण अवसान में अपना सहयोग दे सकूं। ठीक है, अश्वनी कुमार दत्त की अगर बात करते हैं तो अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था कि कांग्रेस जो है वो 3 दिनों का तमाशा है। लाल लाजपत राय की बात करते हैं तो इन्होंने कांग्रेस को कहा था कि कांग्रेस जो है वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है और इन्होंने कांग्रेस सम्मेलन को राष्ट्रीय मेला की संज्ञा दिया था। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है इंडिया इन ट्रांजिशन नामक पत्रों में प्रमुख संपादक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमएन राय, और कब, 1922 की ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का घटक नहीं है। तो जो ग्रीन हाउस गैस का जो घटक नहीं है वो है, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर ग्रीन हाउस गैस के घटक की बात करते हैं तो है जलवाष्प, CO2, CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O, CFC, HCFC, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस का घटक है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस का घटक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है FAQ का पूर्ण अर्थ क्या है। FAQ का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। एक उपकरण जो दशमलव से द्विआधारी संख्या में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है इनकोडर, तो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कार्बन। कार्बन जो है वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है निम्नलिखित में से किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में प्रसिद्ध किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन्यासी विद्रोह को। ठीक है, आनंद मठ एक बंगाली उपन्यास है जिसमें बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था 1882 में। ठीक है, और 18वीं सदी के अंत में सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर ये आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है पुस्तक का लेखक कौन था, भारतीय राज्यों के एकीकरण की कहानी। भारतीय राज्यों के एकीकरण की कहानी पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीपी मेनन के द्वारा लिखा गया है, जिसमें इन्होंने प्रत्येक राज्य के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में बताया है, जो प्रक्रिया के पहले हाथ के अनुभवों पर आधारित थे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है डॉल्फिन किक किस खेल से है। तो डॉल्फिन किक का जो संबंध है वो है तैराकी से, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात फुटबॉल की करते हैं तो फुटबॉल से कुछ प्रमुख शब्दावली है जो याद रखिएगा, जैसे सेंटर, पेनाल्टी किक, फ्री किक, टाई ब्रेकर, थ्रो इन, ये सब फुटबॉल से संबंधित कुछ शब्दावली हैं। अगर हम बात तैराकी की करते हैं तो तैराकी से भी कुछ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, फ्रंट कॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, ट्विस्ट, बटरफ्लाई। अगर हम बात क्रिकेट की करते हैं तो क्रिकेट से याद रखिएगा चाइना मैन, LBW, शॉर्ट पिच, डेड बॉल, सिली पॉइंट, ये सब क्रिकेट से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय किस कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुसाने, जो कि कहाँ है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अगर बात करते हैं तो इसको फाउंड किया गया था 23 जून 1894 को पेरिस, फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है ब्लैंक को वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय खुशी डे के रूप में स्थापित किया गया है। तो 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी के दिन में स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 मार्च। मार्च से इंपॉर्टेंट कुछ और डेज भी याद रखिएगा जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, साथ ही साथ 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, और 23 मार्च जिसको बोला जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है साइंस बेस्ट सेलर ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स
जिसने इसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया, किसके द्वारा लिखा गया? तो ये स्टीफन हॉकिंग्स के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है, भारत के राज्यों और प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? तो देखिए, जयपुर महाराष्ट्र सही है, मीठी वृद्धि गुजरात ये भी सही है, हरिपुर हरियाणा नहीं है, हरिपुर जो होगा वो पश्चिम बंगाल होगा, और कोकबाड़ा आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है, 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय के अधीन की गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन के। लॉर्ड कर्जन की अगर बात करते हैं तो इसका टाइमलाइन था 1899 से लेकर 1905। ठीक है, लॉर्ड कर्जन से इन्होंने बहुत सारे आयोग की स्थापना करवाया था, जैसे सर एटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का भी गठन करवाया था, सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग की स्थापना करवाया था, और टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग का भी स्थापना करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है, किसने शुरुआत में स्वतंत्रता दिवस के पूर्व भारतीय संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमएन रॉय, जिनका नाम था मनवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, इसे एक और चीज़ याद रखिएगा, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो था वो सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो देखिए, रितस मसरा ये लिखी गई है, क्रिज जूनिया ये नहीं लिखी गई है, मिलिच कटिकम ये नहीं लिखा गया है, और मालवीय ग्रंथ लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन दालों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो दालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश से एक चीज़ याद रखिएगा, ये दलहन का उत्पादन करता ही है, साथ ही साथ सोयाबीन का भी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से याद रखिएगा, गेहूँ, आलू, गन्ना, दूध, ये सब में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। अगर हम बात राजस्थान की करते हैं तो राजस्थान से याद रखिएगा, चांदी, कच्चा तेल, ये सब के उत्पादन में राजस्थान अग्रणी राज्य है। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो भारत में जो सर्वाधिक रोजगार प्रदान वर्तमान में करता है वो है कृषि। कृषि की अगर हम बात करते हैं तो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि होती है, 4% भूभाग पर चारागाह है, और लगभग 21% भाग पर वन है, और 24% जो भूमि है वो बंजर है या फिर बिना उपयोग वाली भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो ये किया गया था हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। विलियम एकवर्ड समिति की बात करते हैं तो इसके द्वारा रेल बजट की शुरुआत हुई थी। जेम्स लियाल समिति की बात करते हैं तो ये अकाल समिति थी। मैकाले समिति की बात करते हैं तो ये शिक्षा से रिलेटेड है, शिक्षा का आधुनिकीकरण से। अगर हम बात रिजर्व बैंक की करते तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और इसका राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और अभी तत्कालीन इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन। आज ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया है, मतलब ये बुक खत्म हो गया प्रैक्टिस सेट। कल फिर हम लोग सुबह मिलते हैं आप लोगों से 8 AM में ही। अब डेली आप लोगों को 8 AM में मिल जाएगा। कल का जो प्रैक्टिस सेट होगा वो होगा एडुटेरिया वॉल्यूम 2 के बुक, एडुटेरिया जो ESI का वॉल्यूम का बुक आया है उसका सेट नंबर 2। इसके बाद मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी किया था कि आप जो है वो मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि बिहार एसआई मेंस के लिए अब कौन सा बुक स्टार्ट करवाया जाए। 3 बुक मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ, या तो रहमान सर का बुक, दूसरा KBC नानो पब्लिकेशन, और तीसरा अरिहंत। इन तीनों में से कौन सा बुक स्टार्ट करवाया जाए आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।